हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द सेशन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड वी आर हियर फॉर द प्रैक्टिस सेट्स 7 एंड 8। तो दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द बूस्टर कोर्सेज, राइट, बूस्टर प्रैक्टिस सेट्स। तो अगर पहले की 3 वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी, सो इन दिस वी आर गोइंग टू कवर 100 सेट्स, है ना। In this series, we are going to cover 100 sets before your CAT 2023 examination, है ना? तो अगर कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी query है तो आप पूछ सकते हो। And this is the fantastic video that I made for you, है ना, जिसमें मैंने LRDI की mock strategy बताई है for the month of October and November, है ना। And मैंने बताया है इसके अंदर कि आपको 15 sectional mocks, मतलब कि LRDI की 15 mocks फ्री कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वीडियो जाके जरूर देखना, है ना, वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है। चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेट फॉर द डे, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेट फॉर द डे। क्या बोला है? 5 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी हैड पार्टिसिपेटेड एंड इन एन इवेंट मीट, राइट। देयर वर 4 कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड इन द मीट, वन ऑफ ईच 4, राइट, इश्यूज। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो 5 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट वेयर वी हैव 4 इश्यूज टॉक्ड अबाउट, राइट। ईच ऑफ द 5 कंट्रीज हैज सेंट एटलीस्ट 10 डेलीगेट्स टू द मीट, है ना। ऑल्सो नोट मोर देन 5 डेलीगेट्स फ्रॉम ईच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन 1 कॉन्फ्रेंस, मतलब हर कंट्री से टोटल मिनिमम 10 लोग तो गए हैं, बट पर्टिकुलर में, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन एमिशन की, तो नॉट मोर देन 5 फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, है ना। बायोहैजार्ड, तो नॉट मोर देन 5 फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। तो अ पर्टिकुलर इशू कैन हैव मैक्सिमम 5 पीपल एंड टोटल कंट्री इज गोइंग टू हैव मिनिमम 10 पीपल, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। तो क्या कुछ इस तरह का टेबल बनेगा, कंट्री हो गई, है ना, एंड वो हो गए 4 इशूज एंड टोटल हो गया, राइट। तो कंट्री वाइज भी टोटल लिख लिया हमने एंड ऐसे भी टोटल लिख लिया हमने। आवे क्लियर विद दिस? आवे क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम द कंट्रीज जापान, इटली एंड यूके वेर डिफरेंट एंड इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो जापान, इटली एंड यूके आर इन एपी, है ना। जापान, इटली, ठीक है, फाइन। जापान, इटली एंड यूके, ये तीनों का तीनों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, राइट, है ना। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है, राइट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो क्वांट की बेसिक क्लास कर लेना, ठीक है, राइट, ओके, फाइन, ओके। क्या बोला? इन ऑल द कॉन्फ्रेंसेस एक्सेप्ट वन ऑन बायोहैजार्ड्स, राइट, द नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम यूएस वॉज मोर देन एनी ऑफ द अदर कंट्री, है ना। तो मतलब क्या कि यूएस में बायोहैजार्ड्स को छोड़ के, राइट, है ना, यूएस में बायोहैजार्ड को छोड़ के यूएस का ये भी मैक्सिमम है, यूएस का ये भी मैक्सिमम है एंड यूएस का ये भी मैक्सिमम है। एंड वी नो दैट इन अ पर्टिकुलर बॉक्स, राइट, इन अ पर्टिकुलर बॉक्स मैक्सिमम वैल्यू इज 5, है ना, 1 to 5 हो सकता है एंड किसी का भी टोटल, राइट, किसी भी कंट्री का टोटल मिनिमम 10 तो होना चाहिए, है ना, किसी भी कंट्री का टोटल मिनिमम 10 होना चाहिए। अब ये तीनों जगह पे अगर यूएस मैक्सिमम है, ये तीनों जगह पे अगर यूएस मैक्सिमम, मतलब कि ये तीनों जगह पे यूएस की वैल्यू क्या होगी, 5, है ना। उसने बोला एक्सेप्ट बायोहैजार्ड, है ना, एक्सेप्ट बायोहैजार्ड, ठीक है। बट इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहैजार्ड द नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम यूएस वॉज लेस देन ऑल अदर। लेस देन ऑल अदर मतलब क्या कि यूएस के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिनिमम होंगे, यूएस के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिनिमम होंगे, 1 होंगे। अब क्लियर विद दिस? है ना, 1 होंगे। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 5 15 प्लस 1 16 कैंडिडेट्स हो गए यूएस के। यूएस सॉर्टेड है ना, यूएस सॉर्टेड है, अवेलेबल विद दिस, ठीक है। इन द कॉन्फ्रेंस ऑन ऑयल स्पिल द नंबर ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम इटली वाज लीस्ट। तो इटली का ऑयल स्पिल सबसे कम है, 1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सी, अगर मैं एक लॉजिक लगाने की बात करता हूं यहां पे, है ना, तो इटली का ऑयल स्पिल कितना है, सबसे कम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। While in the conference on carbon emission, the number of delegates from UK was least, है ना? तो UK किस में least है? UK किस में least है? Carbon emission में, है ना? तो UK is least in carbon emission,
तो कार्बन न्यूमिशन में यूके हो गया वन. जर्मनी एंड जापान ईच सेंट 11 डेलीगेट्स, है ना. सो जर्मनी का टोटल भी 11 है, जापान का टोटल भी 11 है. तो जापान का टोटल कितना आ गया 11, है ना. जापान का टोटल कितना आ गया 11, ठीक है. फाइन. फ्रॉम जर्मनी इक्वल नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड ओनली इन कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल, है ना. सो जर्मनी का कौन कौन इक्वल है कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल, है ना. सो जर्मनी का कार्बन एमिशन एंड ऑयल स्पिल, ये दोनों वैल्यू इक्वल है. एक्स एक्स मतलब 3 है तो 3, 5 है तो 5, है ना, ठीक है, ओके. वाइल फ्रॉम जापान द सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड ओनली इन रेडियो एक्टिव एंड बायो हजार्ड, है ना. सो जापान का रेडियो एक्टिव एंड बायो हजार्ड इक्वल है, जापान का रेडियो एक्टिव एंड बायो हजार्ड इक्वल है, ठीक है, ओनली, ठीक है. मतलब कि अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो और कहीं 3 नहीं आएगा. ये दोनों 2 हैं तो और कहीं 2 नहीं आएगा. आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है. In the conference on oil spill and on radioactive, the number of delegates participated from UK was equal, है ना. So UK का oil spill and radioactive equal है, है ना. तो UK का oil spill and radioactive equal है, मान लो X. बोलो सर आपने इसको X क्यों नहीं बोला, तो टिक करें या क्रॉस करें या कोई एक वेरिएबल लें, दोनों सेम ही चीज़ है, बट वो डिनोट करता है कि वो वैल्यूज इक्वल है, राइट, है ना, डिनोट करता है वैल्यूज इक्वल है. फ्रॉम इटली डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहैजार्ड एंड कार्बन एमिशन, है ना. सो इटली का बायोहैजार्ड एंड कार्बन एमिशन इक्वल नहीं है, है ना. सो इटली का बायोहैजार्ड एंड कार्बन एमिशन इक्वल नहीं है. तो मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, है ना, ये ए है तो ये बी है, है ना. सॉरी, क्या क्या बोला था, बायोहैजार्ड एंड कार्बन एमिशन, मैंने रेडियो एक्टिव में डाल दिया, बायोहैजार्ड एंड कार्बन एमिशन आर नॉट इक्वल, ठीक है. उसने बोला है नॉट इक्वल, ओके. No delegates attended more than one conference and no two countries had sent the same number of delegates in any conference. तो अगर सागर गया है, मान लीजिए कि सागर गया है, for example सागर went from Germany, then सागर can attend only one conference, है ना. सागर can attend only one conference, either it is carbon emission, hazards वगैरह वगैरह, जो भी है, चार में से एक ही में जा सकता है, है ना. एंड किसी भी कंट्री के सेम नंबर ऑफ डेलीगेट्स नहीं है. वॉट डज दैट मीन कि वर्टिकली कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, है ना, है ना. वर्टिकली कितने कॉलम्स है मेरे पास, 5. तो मेरे पास जो नंबर्स होंगे वर्टिकली वो कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना. तो सी वर्टिकली नंबर्स कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर. तो टोटल कितना होगा वर्टिकली, वर्टिकली टोटल कितना होगा, 15 ही होगा ना. वर्टिकली टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. मैं किसी भी ऑर्डर में रखूं तो वर्टिकली टोटल कितना हो जाएगा, 15 ही तो होगा ना, 15 ही होगा. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स सेंटर हाउ मच, 60. तो इसका टोटल भी 60 होगा, राइट, इसका टोटल भी 60 ही होगा. क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है. अब आते हैं आगे. अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल हैं, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, है ना, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है. अब सी, जापान, इटली एंड यूके आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जापान, इटली एंड यूके आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना. अब सी, जापान, इटली, यूके इसी ऑर्डर में है, एपी में ऐसा नहीं बोला था, है ना, इसी ऑर्डर में है, एपी में ऐसा नहीं बोला था. तो सी, 16, 11, 11 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 16 and 11, 27 and 11, 38 हमने दे दिया. मतलब कि इन दोनों के लिए कितना बचा है मेरे पास, इन दोनों के लिए कितना बचा है मेरे पास, दिस एंड दिस कंबाइनिंग आई हैव ओनली 22. तो मुझे इटली एंड यूके को 22 डिस्ट्रीब्यूट करना है, है ना. इटली एंड यूके को 22 डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट दे आर इन एपी. तो कैसे दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको दूं 10, इसको दूं 12 10 11 12, ऑर्डर यहां पे उल्टा लिखा गया है, बट ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, राइट, है ना, उसने ऑर्डर नहीं बोला था. तो 10, 11, 12 क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, है ना. आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, है ना. 10, 11, 12 तो अगर मैं यूके को दूं 12, है ना, और इटली को दूं 10, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, यूके को दूं 12 एंड इटली को दूं 10, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं. कोई बोले कि सर आपने उल्टा क्यों नहीं करा, है ना, किसी का सवाल नहीं उठता कि सर इसको 10 दूं, इसको 11, 12 दूं, तो भी तो हुआ ना,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बिल्कुल हो सकता है। चलो देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो कि मैंने इसको 10 दिया होता, इसको 12 दिया होता, अब 10 में से एक चला गया 9, है कि नहीं, बचे तीन नंबर्स, उन तीन नंबर्स का एडिशन मुझे कितना करना है, 9, उसमें से भी दो सेम होने चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, चेक करो, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, चेक करो, है ना। अब ये दोनों के दोनों है ना, सी दीज टू एक्स 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज वर्टिकली मैं 5 भी ऑलरेडी ले चुका हूं एंड 1 भी ऑलरेडी ले चुका हूं, तो वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी 5 ऑल्सो एंड 1 ऑल्सो, 5 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, बताओ तो कितनी होगी, बचा कौन, 2, 3, 4, चलो मैं 2, 3 लेता हूं, तो तीसरा भी 3 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज दीज टू हैज टू बी सेम, थर्ड सेम नहीं हो सकता, तो 3, 3 नहीं हो सकता, चलो 4 लेता हूं, तो 4, 4 एंड तीसरा कितना हो जाएगा, 1, अगेन 1 हियर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1 यहां पे ऑलरेडी है ना, चलो 2 लेके देखो, है ना, चलो 2 लेके देखा, 2 एंड 2 4 एंड यहां पे कितना आ जाएगा, 4, है ना, अब यहां पे कितना आ जाएगा, 4, तो दैट मींस मुझे इसको 2, इसको 2 एंड इसको देना पड़ेगा 4, ये तो 10 हो गया, नहीं ना, तो भी 10 नहीं होगा, राइट, है ना, नहीं होगा, देखो 2 एंड 2 4 एंड 4 80 होगा, है ना, सॉरी 80 होगा, तो 9, 9 करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, 5, 9 करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, 5, अच्छा इसको अगर मैंने 5 रख दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया 5, तो अगेन 5 अब कहीं पे आ ही नहीं सकता, 5 अगेन कहीं पे आ नहीं सकता, तो इसका टोटल आपको 12 करना मुश्किल हो जाएगा फिर, तो अब सी 12 टोटल करने के लिए मैं यहाँ भी 5 नहीं दे सकता, यहाँ भी 5 नहीं दे सकता, और यहाँ वाला 5 भी ब्लॉक हो गया, तो 12 टोटल कैसे करोगे फिर, तो टोटल 12 कैसे करोगे, है ना, सो दैट विल मेक अ कंस्ट्रेंट, राइट, दैट विल मेक अ कंस्ट्रेंट। अब ये सारी चीज अगर आप बैक ऑफ द माइंड में सोच लेते हो एट अ ग्लांस, एक मिनट थोड़ा दिमाग लगा के, तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं तो आप ऐसे सोच लीजिए, है ना, नहीं तो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे अभी हमने करा, ठीक है, जैसे अभी हमने करा, ठीक है, अदरवाइज तो पूरा का पूरा डेटा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको दिया 12, इसको दिया 10, है ना, अब अगर मैंने उसको दिया है 12, है ना, इसको मिटा दूं, मैं इसका कुछ काम नहीं मेरे पास, ठीक है, इसको मिटा दूं, इसका कुछ काम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैंने दिया है 12, 12 में से 1 गया, बचा कितना 11, मुझे 11 टोटल करना है, तीन चीजों का मिला के जिसमें से दो सेम है, अगेन द वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट बी 1 एंड 5, तो वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी इधर 2, 3 और 4, वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी इधर 2, 3 और 4, है ना, ओके, 2 तो मैं दे नहीं सकता, अगर 2 दूंगा तो 11 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7 यहां रखना पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम इज 3, है ना, मैक्सिमम इज 5, ओके, अगर मैं 3 देता हूं तो 3 एंड 3 6, 6 एंड 5 बचेगा इसके लिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है 2, 3 देने की, देखना जरा, है ना, तो अगर मैं एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है 3, 3, 6 एंड 5, और अगर 4 दूं तो 4 एंड 4, 8 एंड 3, दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं 4 एंड 4, 8 एंड 3, है कि नहीं, ठीक है, दो केस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, चलो, तो अगर मैं पहला वाला केस लेता हूँ 4, 4 एंड 3, है ना, अच्छा सर आपने फिर से 4, 4 एंड 3 पिक क्यों करा, 4, 4 एंड 3 पिक क्यों करा, बिकॉज सी अगेन मैं अगर 3, 3 एंड 5 लेता हूँ तो 3, 3 एंड 5 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अगेन मेरा नीचे के लिए यहाँ पे 5 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी 5 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी 5 ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, और 5 यहाँ भी ब्लॉक हो जाएगा, तो मेरे ऑप्शंस कम हो जाएंगे वहां से, राइट, बट अगर मैं 4, 4, 3 लेता हूँ तो मेरे पास इस कॉलम के लिए 5 स्टिल ओपन रहेगा आगे के टोटल्स करने के लिए, राइट, आगे के टोटल्स मुझे इसमें भी 11 चाहिए, इसमें भी 11 चाहिए, सो दैट इज व्हाई आई पिक्ड दिस ऑप्शन, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, बट वी आर गोइंग टू चेक, है ना, तो चेक भी उस तरह से करेंगे कि हमारा टाइम बचे, है ना, उस तरह से करेंगे हमारा टाइम बचे, तो अगर मैं 4, 4 एंड 3 ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, 4, 4 एंड 3 ले रहा हूँ, बन गया 12, बन गया 12, ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, अब दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है, ओके, इसका टोटल 11 होना चाहिए, देखो सी दिस 11 एंड दिस 11 हैज सेम पॉलिसी टू कंप्लाई, है ना,
बिकॉज इस 11 में, इसके टोटल 11 है, उसमें मुझे दो चीजें सेम चाहिए, इसके 11 में मुझे दो चीजें सेम चाहिए, है ना, ठीक है कि नहीं। सो चार का टोटल मुझे करना है 11, है ना, ये दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, दिस एंड दिस, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 5 एंड 4, 1, 5, 4 नहीं है तो क्या हो सकता है, 2 एंड 3, 1, 5 एंड 4 नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 एंड 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट, 2 एंड 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो इन दोनों को मैं या तो 2 कर सकता हूँ या 3 कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को 2 कर दूँ तो 2 एंड 2, 4, रिमेनिंग कितना है 7, रिमेनिंग कितना है 7, 7 की पॉसिबिलिटी क्या है, 7 की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 5 प्लस 2 या तो 4 प्लस 3, बट यहाँ पे 4 दे नहीं सकते, 4 दे नहीं सकते, तो 3 एंड 4 ऐसे दे सकते हैं, है ना, 4 ऑलरेडी है, तो 2, 2, 3, 4 क्या मैं दे सकता हूँ, 2, 2, 3, 4 क्या मैं दे सकता हूँ, 2, 2, 3, 4 जर्मनी को दे सकते हैं, चलो ठीक है ना। सी आपको बोलेगा सर 7 आप 5 प्लस 2 भी तो कर सकते हो ना, 5 प्लस 2 नहीं कर सकते बिकॉज 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर और कहीं 2 नहीं आएगा, और कहीं 2 नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा अगर मैं 3 देता इसको तो 3 एंड 3, 6 बचता कितना 5, बचता कितना 5, 5 कैसे बनता, या तो 3 प्लस 2 या तो 4 प्लस 1, है ना, या तो 3 प्लस 2 या तो 4 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3 में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो फिर 5 क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता, 1 एंड 4, है ना, 5 क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता, 1 एंड 4, ठीक है कि नहीं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है अगेन, 3 एंड 3, 6 एंड 4, 10 एंड 11, चलो देखते दोनों को, तो दोनों को देखते हैं, कितना मस्त है ना। सी इसमें टाइम बहुत लगेगा आपका, बट 15 मिनट के अंदर हो जाएगा ये सेट एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है ना। 2, 2, 3, 4 देखें, 2, 2, 3 एंड 4, 2, 2, 3 एंड 4, ठीक है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, ओके। अब अगर फिर से मैं 11 देखूं तो, फिर से मैं 11 देखूं तो, अच्छा सी फिर से इस 11 को मैं सेम कंडीशन दे सकता हूँ, 2, 2, 3 एंड 4, क्या ये पॉसिबिलिटी है, देखो इस 11 के लिए फिर से मैं 2, 2, 3 एंड 4, इसमें मेरा 3 खाली है, इसमें मेरा 4 खाली है, इन दोनों में 2 खाली है, क्या दे सकते हैं बताओ, दे सकते हैं ना, क्लियरली विजिबल है, राइट, क्लियरली विजिबल है, 2, 2, 3 एंड 4, है ना, बोलो हाँ, है ना, दे सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, उसने क्या बोला है कि दिस, अब अगर मेरे इस 10 की सेटिंग बैठ गई अकॉर्डिंग की भाई वर्टिकली सब अलग अलग होने चाहिए, तो मैंने काम सही कर दिया, इधर क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबल है कि नहीं, इधर क्या पॉसिबल है ना, इधर क्या पॉसिबल है, 1, बोले सर हॉरिजॉन्टल रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रिपीट हो सकता है, वर्टिकल नहीं हो सकता, इधर क्या पॉसिबिलिटी है, इधर क्या पॉसिबिलिटी है, 5, 5, 6, 7 एंड 3, 10, डन है, दिस एंड दिस शुड बी डिफरेंट, 5 एंड 3 डिफरेंट, डन है, सही बना है, सही बना है, बोलो हाँ, है ना, है ना, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपका डेटा मैच होना चाहिए, डन है, बन गया, बन गया। आप के लिए दिस सर क्या दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, देखो बिकॉज 3, 3, 1, 4 रखूंगा, 3, 3, 1, 4 यहाँ नहीं बैठेगा बिकॉज इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं फिर, है ना, इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ले लोगे तो दिस ए एंड दिस बी जो आपको डिफरेंट करना था वो डिफरेंट हो ही नहीं पाएगा, है ना, देख लो आप, है ना, जो डिफरेंट करना था वो डिफरेंट हो ही नहीं पाएगा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोहैजार्ड्स, तो बायोहैजार्ड्स में सबसे हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस किसके हैं, इटली के, राइट, बायोहैजार्ड सबसे हाईएस्ट कौन है, इटली है। Which country has the least number of delegates at the meet? सबसे कम delegates किसके हैं? सबसे कम delegates किसके हैं? Italy के हैं, right? सबसे कम delegates किसके हैं? Italy के हैं, ठीक है? Fine. Which country has third highest number of delegates in radioactive conference? तो radioactive में third highest, 1, 2 and 3 किसके हैं? Germany, है ना? Germany, ठीक है? If Germany and Japan decided to join hands with each other, and hence be represented by the same delegates whose number are equivalent to the lower figure among their number of delegates sent to each conference. मतलब क्या कि जापान एंड जर्मनी एक हो गए, अब इन दोनों में से जिसके भी लोअर नंबर ऑफ डेलीगेट्स हैं वो आगे जाएंगे, है ना,
लोअर नंबर ऑफ डेलीगेट्स आगे जाएंगे, देन हाउ मैनी टोटल डेलीगेट्स वुड बी देयर फॉर द मीट, है ना, हाउ मैनी डेलीगेट्स वुड बी देयर फॉर द मीट। तो सी जर्मनी एंड जापान को चेंज करना है, राइट, बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे, है ना, जर्मनी एंड जापान को चेंज करना है, बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे, है ना, ठीक है कि नहीं, टेल मी यस और नो। ठीक है, तो अगर मैं जर्मनी एंड जापान का देखूं, मुझे जर्मनी एंड जापान का देखना है, तो ठीक है, फोर एंड टू, फोर एंड टू में से लोअर कौन है, टू जाएगा, टू, थ्री एंड टू में से लोअर कौन है, टू जाएगा, टू एंड थ्री में से लोअर कौन है, टू जाएगा, फोर एंड टू में से लोअर कौन है, टू जाएगा, है ना। तो टोटल डेलीगेट्स कितने हो गए कॉन्फ्रेंस के अंदर, 16 ये हो गए, 12 ये हो गए, एंड इटली के 10 ये हो गए, है ना। जर्मनी एंड जापान के मिला कितने जाएंगे, 2+2+2+2, 8, है ना। तो 16 एंड 12 28, 28 एंड देन 38, 38 एंड 8 इसका, तो 46 डेलीगेट्स जाएंगे, 46 डेलीगेट्स जाएंगे। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, क्लियर विद दिस। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये सेट डूएबल है एग्जाम के अंदर, क्या ये सेट डूएबल है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल डूएबल, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट देखते हैं, ठीक है ना, सेकंड सेट देखते हैं आज का, कि क्या कहना चाह रहा है, क्या बोला है, अ कन्फेक्शनरी स्टोर नेमली रेलवे कन्फेक्शनरी एट प्लेटफॉर्म नंबर 3 ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट, सेल्स 10 टाइप्स ऑफ एपेटाइजर्स, जूस, दिस 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 दिस, ओके फाइन, सो दीज आर द 10 एपेटाइजर्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर स्टोर, ओके ठीक है, फाइन, स्टोर रिमेन्स ओपन फ्रॉम 8 AM टू 8 PM एवरी डे, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड द रेंज ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन बी सोल्ड इन द डे इज गिवन, है ना। तो भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और इतने नंबर ऑफ आइटम्स बिकते हैं, आर्टिकल्स, है ना, जैसे कि दैट स्टोर सेल्स जूस 20 to 50, है ना, तो मिनिमम वो 20 जूस तो बेच ही रहा है और मैक्सिमम 50 जूस बेच रहा है, ठीक है, ओके। Some other information is also known. Fine. Selling price of any article is not less than 8, but not more than 20 also. है ना? तो selling price जो है, उसका range कितना है? 8 to 20 के बीच में उसका range है, right? है ना? Selling price का जो range है, क्या है? 8 to 20 के बीच में range है. Also, the selling price of any appetizer is not less than the cost price. मतलब कि कोई भी product loss में नहीं बेचा जा रहा है, right? है ना? Fine. नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द स्टोर परचेसेस ऑल इट्स आइटम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मतलब कि स्टॉक का कोई इश्यू नहीं है, है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन आर इन कैश ओनली, सारा काला धन है, है ना, सब काला धन है, ठीक है, पैसा ही पैसा, ठीक है, चलिए, टैक्स भरना ही नहीं हमको, ओके। अ पर्सन बाइज मिल्क शेक ओनली वेन ही बाइज स्नैक्स, है ना, अब उसने क्या बोला, कि अगर स्नैक्स खरीदेगा तो ही वो मिल्कशेक खरीद रहा है, ठीक है, फाइन, अ पर्सन बाइज मिल्कशेक ओनली व्हेन ही बाइज स्नैक्स, ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, ओके। अ पर्सन बाइज सॉफ्ट ड्रिंक ओनली व्हेन ही बाइज मिल्कशेक, है ना, सो दैट मींस कि अगर वो मिल्कशेक खरीद रहा है तभी वो सॉफ्ट ड्रिंक खरीद रहा है, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, आई गेस मेरी आवाज आपको ऑडिबल है प्रॉपरली, ठीक है, चलिए, ओके। ईच पर्सन बाइज एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ एनी एपेटाइजर, मतलब अगर मैं कॉफी ले रहा हूं तो भी मैं एक ही ले सकता हूँ, वाटर बॉटल भी मैं एक ही ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 8-10 वाटर बॉटल ले ली एक साथ में, ठीक है। अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बाय ओनली 1 एपेटाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, है ना, ऐसा हो गया कि एक जूस, एक वाटर बॉटल, है ना, एक सोडा, एक बर्गर, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। A person purchasing any appetizer out of snacks, milkshake and soft drink is called as a good customer, है ना? तो अगर snacks, milkshake and soft drink इन तीन में से कोई भी एक ले रहा है या दो ले रहा है ना? तो good customer कौन बोला जाएगा कि या तो milkshake या snacks, है ना? या soft drink में से वो एक चीज ले रहा है ना? या soft drink में से कोई एक या दो चीज का combination ले रहा है, ठीक है? Okay. And a customer purchasing all the 3 items is called as a star customer, अमीर customer, बहुत पैसा है ना? Star customer किसको बोला जाएगा? Star customer किसको बोला जाएगा? कि जो अगर कोई all of these 3 items purchase कर रहा है, right? है ना? All of these 3 items अगर कोई customer purchase कर रहा है,
तो उसको बोला जाएगा एक स्टार कस्टमर। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है। अब हम लोग आगे का डेटा देखते हैं कि आगे का डेटा क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। सी, अब हमारे पास क्वेश्चन में से कोई सफिशियंट डेटा नहीं है यहाँ पे कि मैं सारी की सारी सेलिंग प्राइस फिल कर पाऊं, तो ये पार्शियल डेटा का क्वेश्चन हो गया, राइट। पार्शियल डेटा एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड एक सेट हो गया। ठीक है, ये सुनो। चलिए फाइन, डीआई में काउंट करोगे आप इसको, डीआई में ही काउंट करोगे। पार्शियल डेटा का सेट है, पार्शियल टेबल का सेट है। ठीक है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट मेड बाय द स्टोर इन अ डे फ्रॉम गुड कस्टमर्स। सिर्फ गुड कस्टमर्स की बात हो रही है कि गुड कस्टमर्स से कमा सकता है, हु आर नॉट स्टार कस्टमर्स, है ना। तो भाई स्टार कस्टमर्स नहीं है तो मुझे सिर्फ गुड कस्टमर से पैसा कमाना है। मुझे कहां से पैसा कमाना है? मुझे सिर्फ गुड कस्टमर से पैसा कमाना है। और गुड कस्टमर कौन होगा मेरा? जो इन तीन में से एक खरीदेगा या दो खरीदेगा, है ना। अब सी, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो क्या पॉसिबिलिटी है गुड कस्टमर होने की कि वो ये दोनों खरीद रहा है, बताओ। ये सुनो, है ना, स्नैक्स एंड मिल्क शेक, बिकॉज स्नैक्स खरीदेगा तो मिल्क शेक खरीदेगा ही खरीदा, है ना। ओनली मिल्क शेक इज नॉट एन ऑप्शन विथ मी, है ना। ओनली स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ओनली स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे क्या करना है, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं ओनली स्नैक्स ले लूं, है ना, या फिर मैं स्नैक्स एंड मिल्क शेक ले लूं। आई कैन नॉट बाय ओनली सॉफ्ट ड्रिंक, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए मुझे मिल्क शेक खरीदना पड़ेगा, और मिल्क शेक खरीदने के लिए मुझे स्नैक खरीदना पड़ेगा। और अगर मैं तीनों ले लूंगा तो मैं स्टार कस्टमर हो जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ चाहिए गुड कस्टमर। तो गुड कस्टमर कौन हो सकता है? जो सिर्फ स्नैक खरीद रहा है, या तो फिर स्नैक एंड मिल्क शेक का कॉम्बिनेशन खरीद रहा है। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। ये गुड कस्टमर की डेफिनेशन आपको क्लियर है ना। बट उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मुझे गुड कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे उतना ही प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, बोलो, है ना, है कि नहीं। जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे प्रॉफिट उतना ही मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कस्टमर ने स्नैक्स भी खरीदे, कस्टमर ने मिल्क शेक भी खरीदा, कितने खरीदे मैक्सिमम पॉसिबल। तो अगर मैं मिल्क शेक एंड स्नैक्स की बात करता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल इज 110, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल इज 110 एंड मैक्सिमम पॉसिबल मिल्क शेक इज 60, है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि कोई गुड कस्टमर्स हैं, है ना, जिन्होंने सारे मिल्क शेक खरीद लिए, सारे स्नैक्स भी खरीद लिए, है ना, सारे मिल्क शेक भी खरीद लिए, सारे स्नैक्स भी खरीद लिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सी, मुझे यहां पे स्टार कस्टमर नहीं चाहिए, बट स्टार कस्टमर कोई ना कोई तो होगा ही ना। बिकॉज अगर मैंने सारे मिल्क शेक बेच दिए, सारे स्नैक्स बेच दिए, तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक आगे जाके बेच ही नहीं पाऊंगा, है ना, बिकॉज आई कैन नॉट सेल सॉफ्ट ड्रिंक अदर देन मिल्क शेक, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की मिनिमम अमाउंट ऑफ है वो ब्लॉक कर दिया, है ना। यही कैच है क्वेश्चन का, कैच ही यही है, है ना। सी, कैट में इजीएस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है बट विथ अ कैच। तो कैच आइडेंटिफाई कर लिया, आंसर सही, विदाउट कैच आंसर गलत आ जाएगा, लगेगा यार ओ यार कितनी फुद्दू मिस्टेक करके आ गए हम लोग, है ना, कितने फुद्दू मिस्टेक करके आ गए। तो हाउ मेनी आई कैन सेल, मुझे 10 तो रखना ही है, तो आई कैन सेल ओनली 50 मिल्क शेक्स, है ना, आई कैन सेल ओनली 50 मिल्क शेक्स एंड आई कैन सेल ओनली 100 स्नैक्स, I can sell only 100 snacks. Are we clear with this? Because 10 snacks and 10 milkshake मुझे star customer के रखने पड़ेंगे। Sir, minimum क्यों रखा आपने इसको? क्योंकि मुझे इसका profit maximum करना है, है ना, star का। तो star को maximize करने के लिए मुझे good को maximize करना है, तो मुझे star को क्या करना पड़ेगा? Minimum करना पड़ेगा। इसलिए मैंने minimum लिया यहाँ से, ठीक है। अब again, profit maximum तब होगा जब मैं maximum selling price लूँगा। तो maximum selling price of any product is 20. मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज 20, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? एक स्नैक बेचने में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? ₹5 का एक स्नैक बेचने में मेरा मिल्क शेक का, सॉरी, है ना, प्रॉफिट कितना हुआ? ₹10 का। यहां से प्रॉफिट कितना हुआ? ₹5 का, बोलो, हाँ, है ना। हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट, हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आर वी क्लियर विद दिस। सो ₹10 के प्रॉफिट के हिसाब से, मैं कितने स्नैक्स बेच रहा हूँ? 100, है ना। ₹10 के प्रॉफिट के हिसाब से मैं कितने स्नैक्स बेच रहा हूँ? 100, है ना, ओके। एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 आई एम सेलिंग 50 मिल्क शेक्स, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 आई एम सेलिंग 50 मिल्क शेक्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? बचाओ,
टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1000 प्लस 250, सो मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम अ गुड कस्टमर कैन बी 1250 रुपीस. आर वी क्लियर विद दिस? मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम अ गुड कस्टमर कैन बी 1250 रुपीस. ये क्लैरिटी है माइंड में? आंसर क्या आएगा? 1250. अब सी, आपने सारे बेच दिए होते, आपने सारे बेच दिए होते 110 इंटू 10, है ना, 110 इंटू 10 तो 1110 है कि नहीं, आ जाता ना, ठीक है. और 60 इंटू 5, 6 5 30, 300. आप आंसर क्या लिख के आते? सर 1400 इज माय आंसर, 1400 इज माय आंसर. मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम करने के लिए सब बेच दो, बट ये गलत होता, राइट, ये गलत होता. अगर कैट ने पूछेगा तो कैट में क्या पूछेगा, या तो टीटा में पूछ लेगा, और टीटा में ना पूछ के अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू में एक ऑप्शन होगा 1400, दूसरा ऑप्शन होगा 1250, तीसरा ऑप्शन मान लो कि हो गया 1300, एंड चौथा ऑप्शन उसने दे दिया none of the above. आप लोग क्या टिक कर गया? सर 1400 प्रॉफिट मैक्सिमम करना है. स्टार वाली कंडीशन लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, स्टार वाली कंडीशन लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना. सर इतना इजी क्वेश्चन कैट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कैच है, कैच आधे लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, राइट, कैच आधे लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है. वॉट कुड बी द मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द स्टोर फॉर अ डे? तो स्टोर का प्रॉफिट परसेंटेज मिनिमम करना है. प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना. अब मुझे ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसा करना है? मिनिमम करना है. मैंने बहुत बार बताया है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर आपको मिनिमम करना है तो तरीका क्या है कि न्यूमरेटर को मिनिमम टू मिनिमम कर दो एंड डिनोमिनेटर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर दो. यही तरीका है, बोलो है ना. न्यूमरेटर को मिनिमम टू मिनिमम कर दो एंड डिनोमिनेटर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर दो, आपका आंसर सबसे मिनिमम आएगा. तो मुझे प्रॉफिट मिनिमम करना है एंड टोटल कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम करना है. तो इसको हटा दो सब कुछ, है ना, ये सब कुछ हटा दो यहां से, ठीक है. प्रॉफिट मिनिमम करना है एंड कॉस्ट प्राइस मुझे मैक्सिमम करना है. प्रॉफिट मिनिमम करना है एंड कॉस्ट प्राइस मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो सी, मेरे हाथ में सबका सेलिंग प्राइस है, है ना, मेरे हाथ में सबका सेलिंग प्राइस है एक्सेप्ट सोडा, है ना. सोडा का मैं प्रॉफिट मैनेज नहीं कर सकता, सोडा में 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं, तो मैं सोडा का प्रॉफिट मैनेज नहीं कर सकता. बट बाकी सबको अगर मैं कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट सेलिंग प्राइस दे दूं तो क्या उधर से मेरा प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया, है ना. प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया. मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 0. मिनिमम टू मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 0, है कि नहीं, बोलो है ना, है कि नहीं. सो द ओनली प्रॉफिट आई एम अर्निंग इज फ्रॉम सोडा. मुझे प्रॉफिट मिनिमम करना है, मिनिमम कितना होगा? 0. तो बाकी सबका प्रॉफिट मैंने क्या कर दिया? 0, है ना. अब प्रॉफिट 0 कर दिया, बट कॉस्ट प्राइस तो काउंट होगी ना उसकी, कॉस्ट प्राइस तो काउंट होगी. मैं बेच तो रहा हूँ प्रोडक्ट, भले कमा नहीं रहा बट बेच तो रहा हूँ, तो कॉस्ट प्राइस में तो इंक्लूड हुआ मेरे वो, है ना. हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ, ठीक है. तो अब प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं कितना हो रहा है ना. अब प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं कितना हो रहा है. तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, सो आई एम ओनली अर्निंग 3 रुपीज, है ना. आई एम ओनली अर्निंग 3 रुपीज फ्रॉम अ सोडा, है ना, 3 रुपीज फ्रॉम अ सोडा. मिनिमम प्रॉफिट करना है तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा. मैं मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा तो 3 × 10, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट मेरा हो गया 30 रुपए का, है ना. टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 30 रुपए का इंटू 100. अब अगेन मुझे कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम करना है, तो कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम कैसे होगी? कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम कैसे होगी? कॉस्ट प्राइस इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना. बिकॉज यहां से कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा. प्रॉफिट को और कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं मैक्सिमम आइटम्स बेचूंगा, मैं मैक्सिमम आइटम्स बेचूंगा. अगेन 11 × 50, बोलो है ना, है कि नहीं. सो 12 × 60, तो ये हो गया 600, ठीक है. 11 × 50, तो ये हो गया 550, सबका जोड़ देंगे. 10 × 11, तो 1100, है ना. 8 × 5 = 40, तो ये हो गया 400, है कि नहीं. ये हो गया 400, और कितना होगा बताओ? और कितना हो गया? 15 × 6 = 90, तो ये हो गया 900, बोलो है ना, ठीक है. यस और नो? सोडा हम लोग मैक्सिमम नहीं बेच रहे हैं, सोडा हम लोग 10 यूनिट ही बेच रहे हैं, सोडा हम लोग 10 यूनिट ही बेच रहे हैं. तो 15 × 10, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मैंने कैलकुलेट करा 10 का, नीचे मैं कैलकुलेट कर दूंगा 20 का, नॉट पॉसिबल. तो 15 × 10 ही होगा, राइट, ध्यान से.
15 × 10 ही होगा, ध्यान से फ्लो फ्लो में मत निकाल देना उसको, ठीक है। 18 × 5 = 90, तो 900 एक और हो गया, ठीक है। फिर 18 × 100 एक और हो गया, फिर और कौन बचा, 900 एक और हो गया, है ना। 9 × 100 14 × 50 700 एक और हो गया। करो जरा कितना आ रहा है, 30/7 कितना आ रहा है, चेक करो। 6, 5, 11, 11, 22, 22 + 9, 34, 34 + 1, 35, 36, 36 + 9, है ना, 45, 45, ठीक है, 45 + 55, 55 + 63, 63 + this 8000 आ रहा है। क्या ये 8000 आ रहा है नीचे टोटल? बिल्कुल आ रहा है। 3/8 इज नथिंग बट 0.375, है ना। 3/8 इज नथिंग बट 0.375। तो मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ स्टोर कैन बी 0.375। आर वी क्लियर विद दिस? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ स्टोर कैन बी 0.375 ऑफ अ एंटायर डे, है ना, ऑफ अ एंटायर डे। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके? बोलो हाँ, है ना, क्लैरिटी है। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो यस और नो, क्लैरिटी है, राइट, क्लियर है। एक और देखें क्वेश्चन। सी, क्वेश्चन बड़ा इजी है अगर आपको प्रॉपर समझ में आए। अब यहाँ पे आपकी क्वांट्स बहुत मैटर करती है कि आपको क्वांट के बेसिक फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। ये बेसिक फंडामेंटल ही है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मुझे मिनिमम करना है, तो न्यूमरेटर मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, है ना। ये बेसिक फंडामेंटल्स ही है। इसके लिए कोई एडवांस लेवल के क्वांट्स आना ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अ डे, है ना, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अ डे। तो टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अ डे निकालने क्या करोगे आप, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ अ डे निकालने क्या करोगे? एक निकालोगे मिनिमम, है ना। सी, टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम, है ना। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता ना कि कितनी होगी, बिकॉज किसके कितने प्रोडक्ट्स बेचे ये मुझे नहीं पता। बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जो सेल्स वैल्यू है, मैं सेल्स वैल्यू का मिनिमम रेंज निकाल सकता हूं मिनिमम से मल्टीप्लाई करके, और मैक्सिमम रेंज निकाल सकता हूं मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मेरे पास एक रेंज आ जाएगा, राइट, है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम का एक रेंज आ जाएगा। अब उस रेंज के अंदर इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर है, है ना। उस रेंज के अंदर इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, आपका आंसर है। मैं बता नहीं रहा इसको, टोटल आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, है ना, मिनिमम इंटू मैक्सिमम इंटू जो भी मिनिमम मैक्सिमम आया उसके बीच में से एक होगा, एक ही ऑप्शन होगा, है ना। उसका कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमको पता नहीं है, है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमको पता नहीं है कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, ठीक है। तो रेंज इज दी ओनली ऑप्शन, ठीक है, राइट। मैं आंसर बता देता हूं इसका आप लोग को, आंसर इज 2650, है ना, आंसर इज 2650। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट खुद करना है, ठीक है, ओके। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी एपेटाइजर इज सेम, वॉट विल बी द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द डे। सेलिंग प्राइस सारे एपेटाइजर्स का सेम है ना, तब सेलिंग प्राइस सारे एपेटाइजर्स का कितना होगा, 18, बिकॉज यहां पे एक 18 ऑलरेडी है, मुझे बाकी सबको सेम करना है, तो मैं किसके इक्वल कर पाऊंगा, ओनली ऑप्शन इज 18, राइट, ओनली ऑप्शन इज 18, ओके। तो मैंने क्या करा, मैंने सबका सेलिंग प्राइस कर दिया 18, मैंने सबका सेलिंग प्राइस कर दिया 18, बोलो हाँ, है ना, राइट। अब 18 करने के बाद मुझे क्या करना है, 18 करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मिटाऊं, है ना, 18 करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रॉफिट परसेंटेज को मैक्सिमम। तो मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था उसका उल्टा, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज अगेन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मैं कहां से करूंगा, न्यूमरेटर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल, डिनोमिनेटर मिनिमम टू मिनिमम पॉसिबल। आई क्लियर विद दिस, बोलो हाँ, है ना, मिनिमम करना तो मिनिमम कर दिया, मैक्सिमम करना तो मैक्सिमम कर देंगे, है कि नहीं। अब मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम कर देंगे, लगाओ जरा दिमाग कितना होगा, लगाओ जरा दिमाग कितना होगा, ठीक है। इधर से सी, मुझे प्रॉफिट से मतलब, राइट, मुझे मतलब है प्रॉफिट से। इधर से मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 रुपीज का। इधर से मेरा प्रॉफिट कितना है, 7 रुपीज का। इधर से मेरा प्रॉफिट कितना है, 8।
इधर से मेरा प्रॉफिट कितना है 10, इधर से प्रॉफिट कितना है 3, इधर से प्रॉफिट कितना है 3, 0, 0, 9 एंड 4, है ना, 0, 0, 9 एंड 4, आर वी क्लियर विद दिस, है ना। अब सी, जहां से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मैं उतनी चीज ज्यादा बेचूंगा, है ना। मुझे अगर कॉफी से ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं कस्टमर को कॉफी ज्यादा बेचूंगा, है कि नहीं, बोलो हाँ, ना ठीक है कि नहीं, ओके। मुझे दिख रहा है कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक से कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे बर्गर से कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे सोडा से भी मिनिमम प्रॉफिट है, मिल्क शेक में से भी मिनिमम प्रॉफिट है। तो जहां से मिनिमम प्रॉफिट है वो चीज में मिनिमम बेचूंगा, जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट है वो चीज में मैक्सिमम बेचूंगा, है ना, बोलो हाँ, ना ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जूस की, जूस का प्रॉफिट कितना है 6, तो 6 × 12 हो गया, बोलो हाँ, ना 120, है ना 120, ठीक है कि नहीं 120। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 × 20, दैट इज 240, 12 × 20 दैट इज 240, है ना। यहां पे हर प्रोडक्ट नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग बिकेंगे, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम तभी होगा जहां से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसको ज्यादा बेचो, जहां से कम आ रहा है उसको कम बेचो, तभी ये मैक्सिमम बनेगा, राइट, है ना, तभी ही ये मैक्सिमम बनेगा, ठीक है कि नहीं, है ना। 7 rupees का प्रॉफिट, 7 × 21, तो 210 × 11 × 30 दैट इज 330, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। 8 rupees का प्रॉफिट आ रहा है ना, 8 rupees का प्रॉफिट। अब 8 rupees का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू 6 and 7 ज्यादा है, तो मैं इसको ज्यादा बेचूंगा, राइट। मैक्सिमम में कौन सी आइटम्स बेचूंगा, 8, 10 and 9 वाली, है ना। मैक्सिमम में कौन सी आइटम्स बेचूंगा, 8, 10 and 9, बाकी सबसे प्रॉफिट मुझे कम है तो उसको मैं मिनिमम बेचूंगा। सो अगर 8 वाले आइटम्स मैंने मैक्सिमम बेची दैट इज 110, सो 110 × 8 दैट इज 880। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, 10 × 11 दैट इज 1100, है ना, आई विल क्लियर विद दिस, है ना। 10 × 50 दैट इज 500, 8 × 16 दैट इज 160, बोलो हाँ, ना क्लैरिटी है, मैं और भी जोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं और भी जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 × 20 दैट इज 60, है ना, 3 × 20 दैट इज 60 एंड 15 × 30 दैट इज 300। सी लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 3 × 10 दैट इज 30 एंड 15 × 10 दैट इज 150, जीरो कोई प्रॉफिट नहीं है, बट कॉस्ट प्राइस तो ऐड होगी, कॉस्ट प्राइस तो ऐड होगी 180, अगेन 18 × 3, है ना, कॉस्ट प्राइस तो ऐड होगी ना, ठीक है कि नहीं, 18 × 54 तो 540, है ना, 2 0 लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे, 9 मैक्सिमम वैल्यूज बेचेंगे, 9 × 100 दैट इज 900 एंड 9 × 20 दैट इज 180, बोलो हाँ, है ना, बोलो हाँ, है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। लास्ट बचा है 4 × 10, है ना, 4 × 10 तो 40 हो जाएगा एंड 14 × 10 तो 140 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इंटू 100, करो जरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, करो जरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 120 और 210, है ना, 120 और ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, 1200, 1700, 1900, 1950, 1980, सॉरी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाला जोड़ना है, मैं क्या जोड़ रहा हूँ, 1000, 1500, 1700, 1700 and 1800, 18 and 9, 20, 700, 2740, 2740 है क्या, चेक करो, है ना। एडिशन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड, राइट, है ना, बट जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जल्दी हो जाएगा, 210, है ना, 2740 है, नीचे वाला देखो कितना हो रहा है, नीचे वाला देखो कितना हो रहा है, 1100, ठीक है, 160, 300, 150, 180, 540, ठीक है, 180 एंड 140, 3320, राइट, 3320 इट इज इनटू 100, चेक करो कितना आ रहा है, 2740 डिवाइड बाय 3320, है ना, क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कहीं पे, क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, 800, 560, 30, 940, सही है, 240, 330, 1100,
ठीक है, एक सेकेंड, 240, 330, 1100, यहाँ गलती है, देखो 8 5 40 होगा ना, इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बेचे ना हमने, है कि नहीं, इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बेचने हैं, बट 8 2 160 कर दिया मैंने, सो 8 5 40 आएगा, राइट, 400 आएगा, है ना, 8 5 40 आएगा, ठीक है। फिर 15 2 30 सही है, 15 10 सही है, 180 सही है, 540 सही है, ठीक है कि नहीं, 9 2 अच्छा, हाँ, अगेन, इसके भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बेचे ना, तो 9 × 100 तो 900 लेगा ना ये, 9 × 100 तो 900 लेगा ना, अब ठीक होगा, देखो जरा, है कि नहीं, अब ठीक है, टोटल जोड़ो जरा कितना आ रहा है, अब टोटल जोड़ो जरा कितना आ रहा है ना, 240, 330, ठीक है, 1100, ठीक है, 400, 300, 150, वही होता है ना, माइनर मिस्टेक आपकी बहुत खा जाती है आपको, राइट, माइनर मिस्टेक आपको खा जाएगी पूरा का पूरा, 140, तो 4280, 4280, अब देखो कितना आ रहा है, 2740, 4280, है ना, इन 200, अराउंड 64%, अराउंड 64% इज द मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर के नन, है ना, तो मिनिमम प्रॉफिट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, है ना, मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 0.375, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 64%, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 64%, आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है कि नहीं।